नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, सियासत टीवी वेलकम्स यू। आई एम मोहम्मद अब्दुल रहीम, ऑथर ऑफ द बुक आंसर्स बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड आवर गेस्ट टुडे इज़ प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर राशिद नसीम नदवी। ही वॉज अवार्डेड यंग स्कॉलर ऑफ अरबिक बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही टीचर्स अरबिक इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, द इंग्लिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद। ऑन सेप्टेम्बर 23, 2022, वन ऑफ द न्यूज़ आइटम ऑन द डे वॉज RSS Chief Mr. Mohan Bhagwat met few Muslims. The during meeting, Mr. Mohan Bhagwat raised the issue of the usage of the word kafir for Hindus. He said it does not give a good message. On October 19th, there was an article in the Hindu newspaper titled "Hindus are not kafirs, kafirs and Muslims are not jihadis" by A. Faizur Rahman. In that, he quoted saying that there is no evidence to show that Muslims use the word kafir as a prerogative or jo a derogative word for Hindus. I fully agree with him. There is, we never use the word kafir for our Hindu fellow citizens or our Hindu colleagues or Hindu jo hai for friends. The word kafir, subject of the word kafir is a very vast and wide. The aim of this program is to clarify the misgivings of this word in our limited time. Sir, I welcome you to this program. Shukriya. So my first question is, what is the definition of the word kafir? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqia ye hai ke jaise ke abhi ye ishara kiya gaya ke lafze kufr, kafir, kuffar मौजूदा दौर में बहुत ही बहस में रहा है और बर्निंग टॉपिक बन गया है। ये वो वक्त है कि हम इस लफ्ज़ की हकीकत समझें और अरबी के एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं कुफर के सिलसिले में कुछ बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि अरबी के एतबार से काफ़, फ़ा, रा, कफ़र, इसके लिंग्विस्टिकल जो मीनिंग होते हैं, लघवी तौर पर इसके जो माना आते हैं वो ये कि छुपा देना, पोशीदा करना, पर्दा डाल देना, नुमाया न करना। यहाँ से ये लफ्ज़ वजूद में आया और इस मानों के लिए इसको बनाया गया, अरबों ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये भी उलमाए लुगत का फ़ैसला है कि हर लफ्ज़ सिर्फ़ अपने असली मानों में ही इस्तेमाल हो ये ज़रूरी नहीं। कम से कम तीन मानों में कोई भी लफ्ज़ के इस्तेमाल की गुंजाइश होती है। नंबर वन, अपने असली मानों में। नंबर दो, मजाजी मानों में। नंबर तीन, इस्तेलाही मानों में। जब हम इस हकीकत को पेश नज़र रखते हुए कुरान पाक का गहराई के साथ मुतायला करते हैं और तदब्बुर करते हैं तो हैरतअंगेज़ बात यह है कि कुफर, कफर, कुफार, काफिर, जो कफरा के रूट से निकले हुए अल्फाज हैं, वो हर तीन मानों में वारिद हुए हैं। अल्लाह ताला ने हर तीन मानों में उसको इस्तेमाल किया है। छुपा देने के मानों में अल्लाह ताला ने शुक्र गुजारी को छुपा देना, अल्लाह की नेमतों पे पर्दा डाल देना जी, अल्लाह की नेमतों को ढाँप देना, उसका इनकार करना जी, इसके लिए भी इस्तेमाल फरमाया। और इरशाद फरमाया, वला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफर तुम, शुक्र के मुकाबले में कुफर, शुक्र नेमतों का इजहार, कुफर नेमतों को ढाँप देना। तो लाजमी बात है, हर वो शख्स जो अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ नहीं करता है, कुफ्राने नेमत करता है। दूसरे मानों में भी अल्लाह ताला ने इसको इस्तेमाल फरमाया, मजाजी मानों में। मजाजी मानों में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किसान के लिए लफ्ज़ इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया आजब अल कुफ्फार नबातुहु, के किसान जो बीज को मट्टी में छुपा देता है उसको बारिश के बाद जब पौधा निकलता है, फसल लहलहाती है तो बड़ा भला लगता है, उसको ये मंज़र भाता है। ये मानों में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। रहा इस्तेलाही माना,
जो इस्लामी फिक में, जो कुरान और सुन्नत की डिक्शनरी में मफहूम रखना है, वो ये मफहूम रखता है कि अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार कर देना, रसूलों का इनकार करना, आखिरत का इनकार करना। इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, कि अहले किताब ने, मुशरिकीन ने रसूलों का इनकार किया, नबियों का इनकार किया, बाज़ों ने आखिरत का इनकार किया, और बाज़ ऐसे इंसान भी है जो अल्लाह ताला के निज़ाम का इनकार करते हैं, दहरियत की तरफ चले जाते हैं। तो इन सब ग्रुप्स के लिए, इन सब अलग अलग ग्रोहों के लिए भी ये लफ्ज़ कुरान मजीद में वारिद हुआ है। ये लफ्ज़ कुफ्र की लगवी हकीकत है कि, और इंशाल्लाह इसमें पहलू हैं, पोशीदा पहलू हैं, उस पर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। डिफरेंस क्या है कि काफिर, मोमिन और मुशरिक के वर्ड के अंदर? जी, ये बहुत ही अहम हकीकत है जिसको समझना चाहिए। मोमिन, काफिर, मुशरिक, देखिए शिर्क तो उस शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करता है, अल्लाह ताला के साथ किसी और को वो मालिक समझे, मौला समझे, पैदा करने वाला समझे, मौत व हयात देने वाला समझे, तो उसको अशरका अरबी लफ्ज़ है, उसी से लफ्ज़ मुशरिक, इसमें फ़ाइल हम लोग कहते हैं ग्रामेटिकल इस्तेलाह में। तो ये मुशरिक वो होते हैं जो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करते हुए अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक कर दे। और आप सूरत नमल में देखेंगे कि अल्लाह ताला ने बहुत ही क्लियरली वजाहत के साथ इरशाद फरमाया कि तुम इनसे पूछोगे ज़मीन आसमान किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे अल्लाह। तुम इनसे पूछोगे कि बारिश कौन बरसाता है, ऊपर वाला अल्लाह। तुम उनसे पूछोगे रिस्क गल्ला कौन देता है, वो कहेंगे अल्लाह। लेकिन फिर आलम यह होता है कि जानवर गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं, नजराने गैरुल्लाह के नाम पर, सजदे गैरुल्लाह के नाम पर, इसको शिर्क कहा जाता है, मुशरिक कहा जाता है। मुशरिक जो है या शिर्क करने को कुरान पाक ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र करार दिया, क्योंकि वो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हुए अल्लाह की नेमतों को गैरुल्लाह की जानिब मंसूब कर देता है, गोया वो अल्लाह की नेमतों को छुपा देता है, हकीकत को छुपा देता है, सच्चाई को छुपा देता है। जी, अब रहा लफ्ज़ मोमिन, ये ईमान से बना है, ईमान आमना का इसमें फ़ाइल है। आमना जो है अमन रूट वर्ड से निकला हुआ है, और असली मफहूम तो ये है कि एक इंसान अमन में दाखिल हो जाए। कैसे अमन में दाखिल होता है इंसान? दरअसल जहन्नम से नजात हासिल कर कर उसको एक अमन मिलता है, और उलाइका लहुमुल अमन, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की मिलावट नहीं करता, मिलाता नहीं, उन्हीं के लिए अमन है। अब ये अमन में दाखिल होना, ये ईमान कहलाता है। और मोमिन वो है जो अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करता है, जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, जो अल्लाह के रसूलों की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराफ़ करता है, ईमान रखता है, उसको हम मोमिन कहते हैं। चूँकि ये हकीकतें हैं, ये वो हकायक हैं जिनका इनकार नहीं होना चाहिए, कि अल्लाह ताला की कुदरत, उसके रसूलों की सदाकत, आखिरत की हकानियत। अब जो इनको छुपाता है, इन पे पर्दा डालता है, एतराफ़ नहीं करता, उनके लिए इस्लाम ने इस्तिलाह इस्तेमाल की कुफ्र, और जो इसको इख्तियार करता उसको काफिर कहते हैं, प्लुरल फॉर्म कुफार। जी, आप जो है तफसीर भी कुरान में, जो है कुरान की तफसीर भी काफ़ी डिफरेंट मस्जिदों में जो है आप बयान करते हैं, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाई जो है ये द वर्ड काफिर जो है कुरान में कहाँ कहाँ पर जो है, इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इन द कुरान? कुरान मजीद में जैसे कि मैंने अभी इख्तसार के साथ इशारा किया कि कफारा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के छुपा देने वाले के लिए इस्तेमाल फरमाया, और अभी मैंने आयत कोट की थी कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों का एतराफ़ करोगे,
जिनके बारे में कुरान मजीद का हुक्म है कि फअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, के अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ होना चाहिए, इजहार होना चाहिए। अगर तुम नाशुक्री करोगे, और वहाँ पे लफ्ज़ कफ़रा इरशाद फरमाया, वला इन कफ़र तुम, कि अगर तुम नेमतों पे पर्दा डालोगे, इजहार नहीं करोगे, बयान नहीं करोगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए सज़ा मुकद्दर करता हूँ। शुक्र के मुकाबले में कुफ्र का लफ्ज़ आया है, और उसको कहते हैं कुफ्रान नेमत, नेमतों का इनकार कर देना। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि किसान के लिए भी अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुफ्र का इख्तियार फरमाया, इस्तेमाल फरमाया, और आजबल कुफ्फार नबातुहु, ये कुरान पाक में वारिद हुआ है। अल्लाह ताला ने, जब यहूदियों ने, ईसाइयों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया, तो उनके लिए ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया जो अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, और इरशाद फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। जी, इस सूरत में ये डिक्लेयर किया गया कि इबादत तो महज एक परवरदिगार की होगी जो खालिक व मालिक है, और अगर तुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि सराहत फरमा दें, अगर तुम उन्हीं बुतों की इबादत करोगे तो मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी इबादतों में मैं शरीक नहीं हो सकता, जैसे तुम मेरे साथ शरीक नहीं हो रहे हो, तो वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ इन इबादतों में शरीक नहीं हो सकता जो गैरुल्लाह की हो रही। तो आप देखेंगे कि कुफ्र का इस्तेमाल अल्लाह की नेमतों के छुपाने के लिए हुआ कुरान मजीद में, कुफ्र का इस्तेमाल किसान के लिए हुआ, कुफ्र का इस्तेमाल अहले किताब के इनकार में हुआ, कुफ्र का इस्तेमाल अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करने में हुआ, और भी दीगर इस्तेमालात है जिनका अहाता किसी एक मजलिस में बहुत मुश्किल है। जी जी जी, इसे वेरी वाइड सब्जेक्ट है, काफ़ी जो इसे वेरी वाइड सब्जेक्ट है। और जो है मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि कुरान में इसका रूट वर्ड जो है, कुछ आप इसका बयान करिए, लफ्ज़ काफिर का कहाँ कहाँ पे इसका रूट वर्ड जो है, आप सिंस गुड एट लिंग्विस्टिक, जो है काफिर का वर्ड। ये भी बड़ा तफसीली सब्जेक्ट है। अरबी ज़बान बड़ी खूबसूरत ज़बान है, और अरबी ज़बान में एक मुसल्लमा कायदा है कि हर लफ्ज़ का एक सहरफी रूट होती है, जड़ होती है, उस जड़ से फिर शाखे बरामद होते होते कभी कभी 1200, कभी कभी 2000, और इससे भी ज़ायद फिर शाखे निकलती चली जाती हैं। कफारा से आप देखेंगे ये काफ, फा और रा, ये रूट वर्ड है। इस रूट वर्ड के डिक्शनरी में जो मीनिंग आपको मिलेंगे वो छुपाने के हैं, इनकार कर देने के हैं, लेकिन इससे फिर लफ्ज़ बनता है कफ़रतुम, इससे लफ्ज़ बनता है काफिर, इससे लफ्ज़ बनता है कुफ्फार, इससे लफ्ज़ बनता है काफिरीन, इससे लफ्ज़ बनता है यकफुर। अल्फाज फूटते चले जाते हैं, लेकिन हम अरबी ज़बान के तमाम अल्फाज में देखते हैं, लफ्ज़ कुफ्र के साथ ये कायदा कुल्लिया ख़ास नहीं है, बल्कि हम तमाम अल्फाज में ये देखते हैं कि जड़ का टच ज़रूर रहता है, जड़ का मफहूम ज़रूर रहता है। तो अब जैसे आम तौर पर ये इस लफ्ज़ से किसी को अगर हम काफिर कह दें तो इरिटेट होने लगे हैं, तो हकीकत में उनको गौर करना चाहिए कि उन्होंने किसी चीज़ का इनकार किया, तो डिनाई करने वाला, तो इनकार करने वाले को तो इनकार करने वाला कहेंगे, मैं किसी चीज़ को इनकार कर रहा हूँ, इसको तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, तो आप ये कहेंगे ना कि ये साहब इनकार करते हैं, ये डिनाई करते हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में गर्मी नहीं पड़ती, इनकार करने वाला हूँ, मैं एक चीज़ का इनकार कर रहा हूँ। तो जो कुरान पाक की तालीमात को नहीं तस्लीम करते, तो उनके लिए यही कहा जाएगा ना कि भाई आप इनकार करते हैं, इरिटेट होने की क्या बात है इसमें, जो चीज़ आप एतराफ़ नहीं करते तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप इनकार करने वाले, डिनाई करने वाले हैं। तो इसका एक मफहूम जो है बड़ा निगेटिव लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। पॉजिटिव मफहूम लीजिए कि ठीक है, हम इस कैटेगरी में हैं, कोई बीमार है तो उसको बीमार कहेंगे, कोई पढ़ाता है उसको मुदर्रिस कहेंगे, कोई इनकार करता है उसको काफिर कहेंगे। जी, सही, उसमें कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम से दे मस्ट अंडरस्टैंड, ये लोग समझना चाहिए कि इसकी जो है, इसका मफहूम जो है क्या है, किधर है।
सो बिफोर एंडिंग दिस प्रोग्राम, शायद मोहन बाबा साहब जो है ये बॉलीवुड के सॉन्ग्स के जो है नहीं सुनते होंगे, इसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स भी काफ़ी जो है द वर्ड कफारा काफिरीन काफिर जो है काफ़ी उन्होंने अपने सॉन्ग्स में जो है रेगुलरली दे यूज दिस वन। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, एक मूवी केदारनाथ आया था उसके अंदर टाइटल ऑफ द सॉन्ग इटसेल्फ इज जो है काफिराना, तो मैं इसका थोड़ा लिरिक्स पढ़ देता हूँ, कोशिश करिए कि आप जो है इसका जो है करिए। जी जी, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इतर से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। शायराना तखय्युल में इस लफ्ज़ को बहुत इस्तेमाल किया गया है, और मैंने आपकी खिदमत में बात अर्ज कर दी थी कि मजाजी इस्तेमाल में तो बड़ी वसात होती है, लिहाजा आप शायरों को देखेंगे कि अपने माशूक को जब वो ज़िद करते हों, जब वो ज़रा अड़ियल हो जाते हों और महबूब की बात नहीं सुनते, आशिक की बात नहीं सुनते, तो काफिराना अदा, काफिराना रवैया, काफिराना उसलूब, ऐसी ताबीरात बकसरत इस्तेमाल करते हैं। शायद अगर आप उर्दू अदब के तालिबे इल्म हो तो हर शायर के पास ऐसा एक ना एक इस्तेमाल ज़रूर निकल आएगा। अल्लामा इकबाल के पास ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी जी, तो ये उसमें क्या है, इनकार करने वाले, तो मेरी मोहब्बत को इनकार करने वाले हो, तो मेरे इश्क को इनकार करने वाले हो, मेरी बात ना मानने वाले हो, तुम अपनी ज़िद पे अड़े हुए हो, मेरी बात नहीं सुनते, ये शिकवा शिकायत करने के लिए शायराना तखय्युल में बकसरत ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जी। और जैसे कि मैंने कहा कि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने इनकार करने वाले छुपाने वाले के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गुंजाइश है वो करते हैं, और उर्दू लुगत और उर्दू डिक्शनरी इजाज़त देती है, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो महबूबा को भी बुरा नहीं मानना चाहिए जब शायर उनको काफिर कहे, काफिर आना कहे। एक दूसरे गाने में ये है कि भाई ये दिल ये क्यों दिल काफिर मेरा मौला, यहाँ दिल ये दिल काफिर मेरे मौला, तो यहाँ पे दिल को जो है काफिर से जो है जोड़ा जा रहा है, क्यों दिल काफिर मेरे मौला है दिल काफिर मेरे मौला, तो काफिर जो है दिल जो है काफिर को जो है शायर यही कहना चाहता है जी कि क्यों मेरा दिल तेरी बात नहीं मान रहा है जी। अच्छा, मेरा दिल ऐसा क्यों है कि जिद पे अड़ा हुआ है, आपके आगे झुकना नहीं चाह रहा है, इस मानों में शायर इस्तेमाल कर रहा है जी, और उनको इस्तेमाल की गुंजाइश है, तो रेगुलरली जो है यहाँ पे जो है इस्तेमाल होता है। सो सामीन, वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर राशिद नसीर नदवी, ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड काफिर, वी आर ग्रेटफुल टू हिम, मे अल्लाह मेक दिस प्रोग्राम ए सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग सियासत टीवी, thanks for jazakallah.